सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच से अजोरी तुमसे अजोरी साची प्रीत हम तुमसे
लागवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे तुम से तो कवन से जो माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे तुम से तो कवन से जो कवन से जो तुमसे भिजता है वो सच्चे नाम पर। कल भी ये बात आई थी ना, कैसे भगत सैन जी को सैन नाई जी को उनके बदले राजा की नौकरी की नौकर बनकर उनकी मालिश की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कल बार बार बात आ रही थी संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, इसलिए वो कल की कथा लेकर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि नानक पी जाए साचा है ना। पता नहीं क्यों जो ऐसी कथा होती है ना जिसमें प्रभु को मिलने की बात हो वो मन को कुछ और ही असर करती है, मन को बहुत भाती है। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, इनके जीवन में बदलाव कैसे आया? ये मिलिट्री में जॉब करते थे, मिलिट्री में थे, इनका काम था मिलिट्री में। आपको पता है कितनी सख्ताई होती है, डिसिप्लिन कितना जबरदस्त होता है। सुबह 4 बजे उठकर वहां पर जाकर हाजिरी देनी होती है, 5 बजे लाइन में खड़ा होना होता है, परेड सब कुछ जो कुछ भी होता है उनका ड्यूटी होती है। पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ी सजा देती है वो। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अब संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, अभी तक अवस्था की प्राप्ति वो हुई नहीं, पर रोज रात को पूरी रात बैठकर सिमरन करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने भी पाया है अमृत वेले से पाया है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार,
दो प्रकार के लोग होते हैं अमृत वेले जागने वाले, एक मजबूरी में कि दुख आया अब दुख दूर करना है, महापुरुषों ने कहा अमृत वेले जागो, एक तो वो जागना हुआ मजबूरी का, एक वो मजबूरी का जागना हुआ कि रात को नींद नहीं आती चलो नाम ही जप ले, घर से बोलिए धन गुरु नानक, किसी का कोई किसी का कोई, एक वो जागना होता है कि शायद गुरु नानक आज मिल जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, एक वो जागना इंतजार में कि आज मिल जाएगा आज मिल जाएगा, ना थके ना अके ना झके, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम जपते हुए सिमरन करते हुए ना अके भाव मन कभी भरे ही ना, तोर भजन की रहे प्यासा ना थके, क्योंकि मन थकता है तो शरीर थकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ना मन थके ना शरीर और ना झके, कोई शर्म ना करे जपने में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये गुण जिसमें होता है वो ले जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, संत करण सिंह जी होती मर्दान वाले इस अवस्था को पा चुके हैं कि अब मन थकता नहीं झकता नहीं अकता भी नहीं, रोज रात को सिमरन में बैठते हैं, सुबह जाते हैं वहां पर रजिस्टर में साइन करना होता है, साइन करते हैं अपनी ड्यूटी निभाते हैं, ये उनका रोज की दिनचर्या, मिलिट्री में काम करते हैं। आज वैसा ही हुआ जो भगत सैन जी के साथ हुआ, जो संत अतर सिंह जी मस्तुवान वाले को साथ हुआ वो ही घटना वापर गई संत करम सिंह जी होती मुर्दान वालों के साथ। क्या हुआ? आज मन ऐसा जुड़ा कि शुद्ध बुद्ध न रहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, रस आ गया नाम का रस। बाबा नंद सिंह जी के साथ ये पंक्ति लगी आज तक केवल, नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम के जपी बहुत हुए हैं, नाम के तपी 108 1008 बहुत सारे बहुत नाम हुए, पर नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी, रस पीते थे वो नाम का, समाधि में जुड़ जाते थे रोज कीर्तन में, कई कई घंटे शब्द की सवारी करते थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाली आज समाधि में लीन हो गए, रस आ गया रस। सब सुहागन माने रलिया, सब सुहाग माने रलिया, एक देवा रात मुरारी, एक देवो रात मुरारी, कर्म ही तन करे बिनती, कद नानक आवे वारी, कद नानक आवे कदनान कदनान
बारी जिसकी पुकार बाणी में की गई है, ये बारी आ गई संत कर्म से जो होती मर्दान वाली। आज मन जुड़ गया, एकाग्रचित हो गया गुरु के चरणों में, समय का पता नहीं चला। जब होश आई तो देखा सूरज निकल चुका है। मैंने घबराया थोड़ा सा कि आज सजा मिलेगी, जाकर माफी मांग लेता हूँ और सजा जो भी दे वो भुगत लेता हूँ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिसका मन गुरु के चरणों में जुड़ जाए उसे किसी से माफी मांगनी पड़ेगी, उसे सजा मिल सकती है कोई? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। किसकी इतनी ताकत के उसे सजा दे सके, किसकी इतनी ताकत? जब संत करण सिंह जी होती मर्दान वाले पहुंचे अपने ऑफिसर के पास और कहा कि आज के लिए मुझे माफी दे दो, मैं नहीं पहुंच सका अपनी ड्यूटी पर, तो ऑफिसर हैरान होकर कहता है क्या बात कर रहे हो, अपनी ड्यूटी पर आए तो अपनी सारी ड्यूटी की तो थी आपने, ऐसे क्यों कह रहे हो? संत करण सिंह जी कह लेंगे आप कैसी बातें करते हो, आज मैं आया ही नहीं। ऑफिसर कहता है आप आए थे, बहस हो गई। आखिर में ऑफिसर ने वो रजिस्टर दिखाया जिस पे उनके साइन थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब संत करण सिंह जी होती मर्दान वालों ने वो रजिस्टर देखा जिस पर उनके सिग्नेचर थे, मन शुक्राने में जुड़ गया, समझने में देर नहीं लगी। और उस दिन उन्होंने कह दिया कि आज से मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। तो ऑफिसर ने कहा क्यों नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? कहने लगे अब से मैं केवल उसकी नौकरी करूंगा जिसने आज मेरी नौकरी की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने मेरे स्थान पर नौकरी की है मैं केवल उसी की नौकरी करूंगा। और उसकी नौकरी पता है क्या साथ संगत? जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिक्की जो आप जपे अवर नाम जपावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के जीवन की घटना है। बाबा नंद सिंह जी इस बात को बहुत सीरियसली लेते। क्या करते थे? पहले खुद घास काटते थे जंगल में से, मेहनत करके घास बेचते थे, उसके बाद जो पैसा मिल जाए उसमें से जो खा सकते थे खाते थे, किसी से मांग कर नहीं खाते थे कि अपने हक की खानी है, किसी से मांग कर नहीं खाना। और साधना भी पूरी रात का जागना, फिर दिन में काम भी करना, तो शरीर इतना दुर्बल हो गया, इतना दुर्बल हो गया कि बेहोश होने लग गए बार बार। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। काम भी करना है क्यों, किसी से मांगना नहीं, क्यों मांगू मैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मांगते थे। पूरा दिन घास काटना सिमरन करते हुए, उसे बेचना, रात भर जागना, अपना सिमरन अपना नेम सब करना, उसके बाद फिर आराम कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत के दिनों की बात है, बेहोश होकर गिर गए, गुरु नानक पातशाह ने दर्शन दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये गुरु नानक पातशाह बाबा नंद सिंह जी के बीच में सवाल जवाब हुआ बहुत बड़ा कि भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो कहने लगे आपका ही हुक्म है ना, आपने भी आखिरी दम तक खेत में हल चलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक आप शरीर में थे कर्म करने का आपका ही उपदेश है कि धर्म की कीर्ति करनी दशा नौ। गुरु नानक पाशा कहने लगे तू हमारा ही काम कर रहा है, हमारा काम क्या है? हमारा काम करना, तू हमारा काम कर रहा है। गुरु बाबा नंद सिंह जी कहने लगे मैं आपका काम कहाँ कर रहा हूँ? कहने लगे तू समझा नहीं। गुरु नानक पाशा ने डिटेल में बाबा नंद सिंह जी को समझाया, जो पूरा एक सवाल जवाब लिखा हुआ है डिटेल में, था शॉर्ट में बता रहा है, क्योंकि प्रकरण कुछ और है, बात कहीं और निकल जाती है। गुरु नानक पाशा कहने लगे तू हमारा काम कर रहा है, जिसके पास कोई नौकरी करता है उसकी जिम्मेदारी उस पे आ जाती है, तेरे खाने पीने की हर चीज की जिम्मेदारी हमारी है, तू केवल नाम जप और नाम जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे ऐसे कैसे, मैं कौन सा आपका काम करता हूँ? कहने लगे नाम जपना और फिर जपाना ये हमारे भक्तों का काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारा हुक्म है और आप वो कर रहे हो। बाबा नंद सिंह जी से कहा आप हमारा काम कर रहे हो, जप भी रहे हो जपा भी रहे हो, संगत को जोड़ रहे हो नाम से जोड़ रहे हो, ये हमारा काम है,
आपकी देखभाल करना हमारा काम है, चाहे जंगल में भी जाके बैठ जाएगा ना, तुझे रोटी वहाँ पे भी मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तू नाम जप और जपा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस दिन से बाबा नंद सिंह जी ने काम करना छोड़ा था। उसके बाद भिक्षा मांगते थे दिन में एक बार या दो तीन दिन में एक बार, और जब वो भी किसी ने ताना मार दिया था, किसी ने किसी घर में चले गए थे, तो बीवी ने कह दिया कि अभी तक मेरे पति ने नहीं खाया है, मैं आपको कैसे दे दूं, थोड़ी बुरी तरह से कह दिया था, पहले वो खाएंगे फिर दूंगी, मांगने आ जाते हो। तो अंदर से आवाज आई थी उसके पति की, जो मांगने आया समझो मर गया, मरे हुए को क्या बोल रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन बाबा नंद सिंह जी के हृदय में तीर की तरह लग गए कि गुरु नानक का हूं मैं और मरा हुआ हूं मैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज के बाद मांगने नहीं जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, गुरु नानक को देना होगा तो दे देगा, मैं नहीं मांगूंगा। जंगल में छिपकर बैठ गए, जंगल में ऐसी जगह पर बैठे जहां से कोई गुजरता ही नहीं, वहां पर भी गुरु नानक ने खाना भेजा। उस दिन के बाद जहां भी बाबा नंद सिंह जी बैठे, आज नानक सर में आज तक ये प्रथा प्रचलित है कि खाना वहां बनता नहीं, संगत अपने आप बाहर से बनाकर लाती है, वहां पे जितने भी लोग होते हैं उसी हिसाब से खाना पहुंच जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि गुरु नानक पाशा कवर था। तू जहां भी होगा तुझे खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं, हर पदार्थ तेरे पास अपने आप आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव, जिसके हृदय में नाम चल रहा है नानक भेजे है साचन है, उसने प्रभु को प्रसन्न कर लिया, उसने पा लिया। नाम कितनी बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत इस दुनिया में है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए अक्सर कहता है जो जादू टोना मंत्र वास्तु शास्त्र शनि मंगल इन चीजों से डरते हैं ना, वो लोग डरते हैं जिनके पास नाम नहीं है, नाम नहीं है। क्योंकि हृदय में अगर नाम हो ना तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान क्या है? अंधेरे में सब रस्सी सांप दिखाई देती है, लाइट चालू करो तो रस्सी है, क्यों डरेगा आदमी? अंधेरे में पांव में लग जाए डरेगा, सांप है। अंदर ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो गया जिस दिन नाम जपने से, सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे, रोशनी में रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इन चीजों से डरते हैं क्योंकि अंधेरे में है, अज्ञान में है। जिस दिन ज्ञान का दीपक जल गया, नाम हृदय में शुरू हो गया, कोई डर नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लेखा लिखी है मन के पाए, मन में ले सब किछ मेला, मन में ले सब किछ मेला, तन तो ते मन हचाना हो, परम बुलाया विरला बूझे को। हर्ष बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी यहाँ पर एक कमाल के पहलू की बात कह रहे हैं, तीसरे गुरु नानक, क्योंकि हमारा प्रकरण है सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं
मन मैली सब कुछ मैला, तन तोता कछ अचाना हो, सिंपल है। तेरा मन मैला है तो तेरा सब कुछ मैला है। चाहे तू तन का स्नान भी करा ले तो भी तू पवित्र नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन धोता है मन अचाना हो, मन तेरा साफ नहीं होगा क्योंकि धो तू तन रहा है। ए जगत परम पुलाया विरला बुझे कोई। देखिए हमें लगता है इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, सिंपल है ना। ए जगत परम पुलाया विरला बुझे कोई। गुरु अमरदास जी कहते हैं नहीं, इस भरम में सारी सृष्टि भूली पड़ी है। विरला बुझे कोई, कोई विरला है इस बात को समझेगा, बात को समझना। सुन सब रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे, कोई बिरला होगा जो उस पर चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करेंगे हम सब वही फिर से, हम नहीं छोड़ेंगे वो सब जो कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ चुकी है वो बातें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विरलों की गिनती में है वो जो इन बातों को समझते हैं, समझने के बाद उस पर चलते हैं। ए जगत भरम बुलाया, इस भरम में पड़े रहेंगे सब ये जानने के बावजूद। विरला बुझे कोई, कोई विरला होगा तो इस बात को बूझ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी। जप मन मेरे तू एको नाम, जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुरु दिया मुको मुको एहो निदान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी आगे फरमाते हैं शब्द में, जप मन मेरे तू एको नाम, तू एक काम कर ले मेरा मन, इस भरम में तो तू पड़ा रहेगा, इससे छूटना है तो एक काम कर ले, क्या नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक काम कर ले, सिर्फ एक नाम जप ले बस, क्योंकि नाम जपेगा मैल उतर जाएगी, तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु दिया मोको एवं निदान। गुरु अमरदास जी कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे ये खजाना दिया है नाम का, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी अपने मन को कह रहे हैं, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए अपने पर बात ले रहे हैं कि जप लो। दास बार बार कहते हैं, बाबा नंद सिंह जी के तो आप जीवन पढ़ो, हर साखी में 20 बार एक ही बात आती है, नाम जप लो भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे के आसन जे सिखे इंद्री बस कर कमाए, मन की मैल ना उतरे के आसन जे सिखे इंद्रिय वश कर कमाए, मन की मैल ना उतरे हो मैं मैल ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धा के आसन जे सिखे इंद्रिय वश कर कमाए। कोई सिद्धों के आसन सीख ले, बड़े मुश्किल आसन होते हैं। दास ने पहले भी कहा सिद्धों के आसन और भी ज्यादा मुश्किल होते हैं, वो यहां तक कर लेते हैं डिटेल में। अगर दास बताना चाहे, एक कपड़ा लेते हैं उसे भिगो कर तीर्थों के जल से अपनी नाक में डालते हैं, अपनी अंतड़ियों में घुमा कर पूरे शरीर में उसे बाहर निकालते हैं। आसन इतना मुश्किल होता है कोई विरला कर पाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अंदर से भी सफाई हो जाए तीर्थ के जल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरु अमरदास जी कहते हैं चाहे तू ये कर ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चाहे तू अपनी इंद्री को भी बस में कर ले। इंद्री को बस में कैसे करते हैं सात संगत जी, पता है दस महापुरुषों के साथ रहा है ना, तो वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो काम वासना को बस करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिससे काम वासना शांत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ऐसी ऐसी चीजें पीते हैं पर वाणी उस पर चोट करती है कि तेरा शरीर उस लायक नहीं रहेगा पर तेरा मन को कैसे मारेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तू शरीर की ताकत खत्म कर लेगा, मन को कैसे मारेगा, जो तेरी मन में कामनाएं उठती है उसका क्या करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मन की मैल ना उतरे हम में मैल ना जाए, अगर तूने उस पर कंट्रोल कर भी लिया इन साधनों से तो फिर क्या होगा, अहंकार की मैल चढ़ जाएगी कि मैंने ये कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, छूटेगा फिर नहीं। पहले लोहे का संगल था, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, एक आदमी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है भाव के लोहे के संगल में जकड़ा हुआ है। अब उसने उसे इनसे जान छुड़ा ली अपनी भक्ति करके, अब अहंकार हो गया कि मैंने इनको जीत लिया है, अब सोने का संगल बांध दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पहले था लोहे का संगल अब है सोने का संगल, पर है तो बंधक ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, छूटा नहीं। इन साधनों से अगर कुछ प्राप्त कर भी लिया, गुरु अमरदास जी कहते हैं छूटेगा तो फिर भी नहीं, रहेगा कैदी ही। पहले लोहे की सलाखें थी अब सोने की सलाखें हैं, रहा तो कैदी का कैदी, तेरे को क्या फर्क पड़ेगा वो सलाखें लोहे की हो या सोने की, इस्तेमाल तो तू कर नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे इस मन को बिन सतगुर की सरनाए सतगुर मिलिए उलटी भई कहना किछु ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं इस मन को होर संजम को नहीं, इस मन को बस में करने का और कोई तरीका नहीं है। क्या तरीका है लास्ट, ऋण सतगुरु की शरणाए। अगर अपने मन को बस में करना चाहता है अपने आप को किसी एक के बस में कर दे भाव, सतगुरु के बस में आ जा। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। ये मन बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये बस में नहीं आ रहा ना, ये मन गुरु को दे दे फिर उसका काम जाने वो जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन गुरु को अर्पण करने का मतलब वो जो कहे वो कर, बस हुक्म में आ जा, जो गुरु कहे सत वचन जी, कहे अमृत वेले उठ सत वचन जी, मांस मत खा सत वचन जी, शराब मत पी सत वचन जी, पराया संग मत कर सत वचन जी, अपने यहाँ पे सोच खत्म, अपने विचार अपने तर्क अपने पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सत वचन कर ले। इस मन को होर संजम को नहीं, बिन सतगुरु की शरण आए, सतगुरु मिले उल्टी पई कहना कछु न जाए। सतगुरु मिले उल्टी पई, सतगुरु मिले तो क्या हो जाएगा, उल्टी पई। उल्टी किसे कहते हैं, दुनिया से उल्टा हो जाएगा माइंड, माइंड डाइवर्ट हो गया, पहले दुनिया की तरफ भागता था अब गुरु की तरफ दौड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले फिल्में अच्छी लगती थी, थिएटर की तरफ जा रहा है, क्लबों की तरफ जा रहा है, पार्टियों की तरफ जा रहा है, अब गुरुद्वारे की तरफ जा रहा है, कीर्तन की तरफ जा रहा है, साधुओं की तरफ जा रहा है, संतों की तरफ जा रहा है। मेरे पैरा विच सत्संग जान लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मत पलट गए गुरु के, जैसे मन गुरु को दिया गुरु ने मन को पलट दिया, अब कहना किछु ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहते हैं अब वो स्वाद आ गया कि मैं बता नहीं सकता, जब से गुरु ने मेरी बुद्धि पलट दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे पंत नानक सतगुर का मिल दो मरे गुर के शब्द फिर जीवे कोई
पहली पंक्ति में गुरु अमरदास जी ने मन पर चोट की है कि तन को धोने से तेरा मन साफ नहीं हो जाएगा और तीर्थों पर स्नान करने से तेरा मन साफ नहीं हो जाएगा, और आखिरी पंक्ति में बता रहे हैं कि कैसे साफ होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, भणत नानक सतगुरु को मिल दो, मरे गुरु के शब्द फिर जीवे कोए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, भणत नानक सतगुरु को मिल दो। जब मेरी मत उल्टी कर दी गुरु ने, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई, सतगुरु से मिला दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, जीते जी मेरी मृत्यु हो गई, भाव विकारों से मेरा मन हट गया, मन को जीत लिया, मन मर गया मेरा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, मरया गुरु के शब्द फिर जीवे कोई। मरने के बाद जब वो जीवन मिला नया, ममता की मन उतरे ए मन अच्छा होए। ममता यहाँ पर ममता माँ की ममता को नहीं कहा, ममता माया को कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो भी चीज गुरु से तोड़े, चाहे वो घर वाली हो, घर वाला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी शरीर, गुरु से जो तोड़ता है वो माया है, जो जोड़ता है वो गुरु की आशीर्वाद है। बोलिए धन गुरु नानक, ममता की मल उतरे ए मन अच्छा होए। माया की मल तेरे मन से उतर जाएगी, तेरा मन पवित्र हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर कैसे? गुरु की शरण में आके। गुरु की शरण क्या कराती है, क्या कराती है गुरु की शरण? गुरु फिर से एक बात यहां पर कहेगा विशेष तौर पर, गलत फहमी न में न चले जाना कट्टरता नहीं है, तीर्थों पर स्नान करने की मनाही नहीं है, स्नान करने की सोच पर मनाही है, तरीके पर मनाही। इस बात को समझाने के लिए महापुरुष घटना सुनाया करते थे भगत तुलसीदास जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन। ज्ञान एक जानवर से भी मिलता हो तो ले लेना चाहिए, जहां से मिले ले लेना चाहिए। भगत तुलसीदास जी के जीवन की घटना, आश्रम है उनका, बहुत सारे शिष्य हैं उनके, समा काफी उनकी ख्याति हो चुकी है।
अपने भक्तों से कहते हैं कि मेरा मन है कि मैं हरिद्वार में स्नान करके आऊं, तीर्थ यात्रा करके आऊं, बहुत सारे तीर्थों पर भ्रमण करके आऊं, और अपने साथ 3-4 सेवादार लिए और यात्रा पर निकल गए। और जब वहां गए तो वहां पर देखा मूर्तियां बड़ी सस्ती मिल रही है भगवान की, घर से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचा यहाँ से खरीद लेता हूँ, वहां जाके बेचूंगा, धन कमाऊंगा, क्योंकि गृहस्थी थे, घर से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थी को धन की जरूरत भी होती है। जितने भी भक्तों का जीवन पढ़ लो, साथ में काम आखिर तक किया है, घर से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश की है हर एक ने काम करने की, हर एक के अपने अपने पहलू है, अपना अपना जीवन है, क्योंकि जो धर्म होता है ना हर एक का पर्सनल होता है। हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। धर्म पर्सनल होता है, ज्ञान सारी सृष्टि के लिए होता है, पर धर्म पर्सनल होता है। अब कोई गुरु नानक को, किसी को मूल मंत्र फास्ट करने में अच्छा लगता है, तेज करने में आनंद आता है, किसी को स्लो करने में आनंद आता है, कोई वाणी जोर से पढ़ के आनंद लेता है, कोई वाणी को मन में पढ़ के आनंद लेता है। ये पर्सनल है, जिसको जैसे आनंद आए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर कि ऐसे ही करना है, नहीं। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे जैसे हम मन जुड़े वैसा करो, क्योंकि हमारा मकसद मन जोड़ना है। जिस वाणी में रस है उसे पकड़ लो, जिस मंत्र में रस है उसे पकड़ लो, और एक को पकड़ लो और उसका ऐसा रस पियो, ऐसा रस पियो कि हृदय में बस जाए, श्वासों के साथ उसका साइकिल चलना शुरू हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत तुलसीदास जी गए वहां पर, देखा मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां बढ़िया सस्ती मिल रही हैं, बहुत सारी मूर्तियां खरीद ली। पर वहां भगवान ने क्या किया, एक साधु का भेष बना के पहुंच गए इनके आश्रम में। पीछे से पूछते भगत तुलसीदास जी कहाँ है, सारे सेवादार कहते हैं कि वो तीर्थ यात्रा पर गए। तो वो साधु, जो भगवान जो साधु के भेष में आते, कहने लगे नहीं नहीं वो आएंगे तो उनसे कहने देना, कह देना कि वो तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, वो बिजनेस करने गए हैं, सौदा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। व्यापार करने गए, व्यापारी है, मूर्तियां खरीद कर बेचने का काम करने गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भगत तुलसीदास जी वापस आए, पूछा कोई आया था खास, पूछता है ना आदमी आके, तो उन्होंने बताया ये आया था, पर एक साधु आया था जिन्होंने ये तर्क किया था आपके जाने पर कि कह देना कि तुलसीदास तीर्थ यात्रा करने नहीं गया, वो तो सौदा करने गया, व्यापार करने गया, मूर्तियां खरीद कर बेचने गया। जब तुलसीदास जी ने सुना, समझने में देर ना लगी कि भगवान आए थे मुझ पर तंज कस कर गए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मुझ पर नाराज हो गए हैं। आगे बहुत बड़ी लंबी घटना है कि क्या क्या हुआ, फिर कैसे भगवान को मनाया। पर यहाँ पर महापुरुष रोक कर समझाया करते थे कि जब भी तीर्थ, जैसे हमारा तीर्थ, हम जाते हैं हरमंदिर से, आप जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई कहीं जाता है, हमारा हम किस तरह किस प्रकार जाते हैं, पहले भी ये बात हुई थी, शॉपिंग भी कर ली, घूम भी लिया, उसके बाद हिल स्टेशन भी चले गए, जो मन किया किया। एक होता है केवल गुरु के लिए जाना, केवल गुरु के लिए, एक निशाना ही होता है कि गुरु रामदास जी के लिए जा रहे हैं, बस उसे माना जाता है यात्रा, तीर्थ यात्रा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जा रहा है हरिद्वार, समय निकाल कर तो बैठ कर वहां पे साधु संतों के संगत करे, नाम जपे, फिर उसका स्नान किया, वो भी सार्थक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तंज कसा है हमारे जाने के ढंग पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। गुरु नानक पाशा ने, ये कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति होगी कि गुरु नानक पाशा ने सबसे पहले इसे लिया है, जपजी साहिब जी के मूल मंत्र के बाद सबसे पहले। सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ज्ञान हो गया, फिर वही करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला होगा जो इस ज्ञान को संभाल कर उस पर चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 100 बात की एक बात, नाम जपो, नाम जपो। दास की बेनती, बाबा आनंद सिंह जी का हुक्म, गुरु नानक का हुक्म, नाम जपो, नाम जपो। नाम ही तीरथ है, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तीर्थ नाम है, तीर्थ इज इक्वल टू नाम। अगर नाम कोई जप रहा है तो रोज तीर्थ का स्नान कर रहा है वो, चाहे कहीं पर भी बैठा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम को पकड़ लो, अगर कुछ पाना है, ये चालिया सुन रहे हो, अमृतले उठ रहे हो, नितनेम बढ़ाओ। दास की रोज यही बेनती होती है, क्योंकि मुझे पता है नितनेम क्या करता है। मैंने चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। शास्त्र तो कहते हैं, वेद तो कहते हैं, वाणी तो कहती है। मैंने जो देखा है, जिनके पास पक्का नितनेम है, उनकी ताकत को मैंने देखा है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। डिप्रेशन में क्या जाना है उसने, दूसरों को डिप्रेशन से निकालने वाला बन जाता है जिसका नितनेम पक्का हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नितनेम बढ़ाओ, गुरु की प्रसन्नता चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, बार 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 वाणी कह रही है। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब को, बिना नाम के किसी चीज का कोई अर्थ ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप लो, उसके बाद तीर्थ स्नान का भी फल है। नाम हो तो, बिना नाम के नहीं। पूजा कीचे नाम ध्याय, बिन नाम है पूज न होई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक कह घर केवल नाम, एको नाम हुकम है। नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, बार 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 नाम नाम नाम। मूल मंत्र पकड़ लो, वाहेगुरु मंत्र पकड़ लो, राम राम अच्छा लगता है, राम राम पकड़ लो। जो मंत्र आपको पसंद आता है, मन जुड़ता है जिससे, पकड़ लो और जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ। गुरु नानक मेहर करे हम सबके हृदय में नाम बस जाए, ताकि रोज एक दिन नहीं, रोज तीर्थ का स्नान हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेखा लिखी है मन के पाए, लेखा लिखी है मन के पाए, लेखा लिखी है एक बात दास आखिर में कहना चाहता है, लेखा लिखे है मन के भाई, इस पंक्ति को मत भूलना। जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहे अभाव। आज का जो मेन शीर्षक यही है कि किसी भी कर्म की मनाही नहीं है, अगर कर्म में तेरा मन सच्चा है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के लिए उदास होना भी गुरु के लिए, ये हमारे मन को पता होता है हम किसके लिए उदास हैं। गुरु के लिए उदास होना भी भक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख माया विच उदासी, गुरुमुख बहु माया अकेला, लाखों की गिनती में खड़ा हो गुरुमुख अकेला होता है, क्यों? उसकी सुरत चरणों से जुड़ी होती है, उदास होता है उसका मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी उदासी पे कुर्बान, पर मन सच्चा हो। लिखे लिखी है मन के भाई, अगर मन का भाव सच्चा है तेरा, तो तेरा हर कर्म सच्चा है। तेरा कीर्तन, तेरी कथा, तेरा बजाना, तेरा गाना, तेरा पहनना, तेरा नहाना, हर चीज पर जिस जिस चीज की मनाई की है, वो हर चीज जायज हो जाती है अगर मन साफ है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मन साफ बिना नाम के नहीं हो सकता। नानक भीजे साचा नाए, तेरा मन साफ होगा। लिखा लिखी है मन के भाई, मन तेरा साफ होगा अगर तेरे मन में नाम चलेगा तो। ये नाम मन की मैल को उतार देता है। आज नहीं जुड़ रहा, कल जुड़ना शुरू हो जाएगा। आज मन में बुरे ख्याल है, कल खत्म हो जाएंगे, पहले कम होते जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। आज अगर भावना कुछ मांगने की है, एक दिन आएगा नाम जपते जपते। अब सिर्फ गुरु नानक चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी श्रीमद भगवद गीता में लिखते हैं, कहते हैं लोग पुकारते हैं मेरा नाम, पर मुझे लगता ही नहीं कि मुझे मांग रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे बुलाया है, मैं जरूर जाता हूँ। मुझे बुलाने के पीछे कारण कुछ और होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे बुलाया है, मैं जरूर जाता हूँ। अब हमने ये विचार करना है कि हम बुलाते तो हैं, और पीछे कारण क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
ये बहुत बारीक रास्ता है, खंडियो तिक्की वालो निक्की, बहुत बारीक। इसको समझना गुरु नानक ही मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर वो आसरा आ जाता है ना, कि जब वो देखेगा कि उठाता तो वही है पर उठते हैं, अमृत वेले बुलाता है, नाम जपाता है, सेवा लेता है, जो भी कराता है, कभी ना कभी तो तरस आएगा उसे, फिर गुरु प्रसाद बरता देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि वो गुरु प्रसाद बरताएगा, उसकी मर्जी ना, अभी बताए या कई जन्मों के बाद, हमने अपने आप को उसे सौंप दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राख प्रभु पावे मार, जब हम शरण प्रभु के आए, अब तो अपने आप को दे दिया, अब उसकी मर्जी जो चाहे करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक भेजा है साचा नाय, लेखा लिखिया है मन के भाई, तेरे मन में जो विचार होंगे वो लिखे जाएंगे। मुंह से तो क्या कह रहा है, उसका गुरु को कोई मतलब नहीं, गुरु से कोई मतलब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेखा लिखी है मन के भाए, लेखा लिखी है मन के भाए, लेखा लिखी शुक्राना, शुक्राना,
बनाया तेरे प्यार ने, रोम रोम वसे हुए तेरे ही खुमार में, जिंदगी नू जिंदगी बनाया तेरे प्यार ने, रोम रोम वसे हुए तेरे ही खुमार में, अखियां दे नूर ली सुखा विच चूर ली, अखियां दे नूर ले सुखा विच चूर ले, रू दे सरूर ले, शुकराना 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 पल महक गया तेरी एक छोनल, चंदन जय हो गया तकिया जामो नल, हर पल महक गया तेरी एक छोनल, चंदन जय हो गया तकिया जामो नल, सीने नाल रोंदे साहसों ले सीने नाल लाउन ले, रोंदे साहसों ले कर चिव सोन ले, शुकराना 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 पाली हर पैर तेरी पैड़ ते टिका लवे, दास तेरे बोला जही जिंदगी बना लवे, पाली हर पैर तेरी पैड़ ते टिका लवे, दास तेरे बोला जही जिंदगी बना लवे, पाल ले आपे ही संभाल ले, दुनिया चो पाल ले आपे ही संभाल ले, साडे इस हाल ले, शुकराना 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 जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवा।
शिव जी सदा
साजी